डायरेक्ट इज एक्स इक्वल टू थ्री सेंट्रिसिटी थ्री बाई टू। तो याद रहे एक्स होता है ए अपॉन ई, यानी ए अपॉन ई थ्री के बराबर है। अब ई खुद थ्री बाई टू के बराबर है भाई, ई की जगह थ्री बाई टू पुट कर दो, यहाँ से ए आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नाइन बाई टू। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, नाइन का स्क्वायर एटी वन, टू का स्क्वायर फोर। अब जो एक हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर एटी वन बाई फोर है, ई थ्री बाई टू है, उसका स्क्वायर नाइन बाई फोर हो जाएगा। नाइन बाई फोर में से जब फाइव बाई वन माइनस करेंगे फाइव बाई फोर, एटी वन फोर ज़ा फोर ज़ीरो फाइव अपॉन सिक्सटीन। अब चूंकि नॉर्मल एक्सेस है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। अब एक काम होगा, ये फोर सबसे नीचे ऊपर आ जाएगा, इतने सिक्सटीन भी सबसे नीचे ऊपर आ जाएगा। नाइन एक्स स्क्वायर अपॉन एटी वन माइनस सिक्सटीन वाई स्क्वायर अपॉन फोर ज़ीरो फाइव इक्वल टू वन इज़ योर आंसर।